नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यामाहा RN5 वर्जन 4 के बारे में। दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों ने RN5 V4 के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। RN5 V4 कब आएगी, इस बाइक का क्या प्राइस होगा, इस बाइक के फीचर्स क्या होंगे और क्या क्या इस बाइक के अंदर चेंजेस होंगे, तो आज की वीडियो में हम यामाहा RN5 V4 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो अगर आपको इस बाइक के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका किसी भी बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों करंटली यामाहा की RN5 V3 का एक शोरूम प्राइस 1,48,000 से लेके 1,50,000 तक है, लेकिन दोस्तों इस बाइक का न्यू वेरिएंट वर्जन 4 का प्राइस 10,000 to 15,000 ज्यादा होगा। दोस्तों यामाहा ने RN5 V3 के वर्जन 1 से लेके वर्जन 3 तक इस बाइक को कंटिन्यूअसली अपग्रेड किया है। यामाहा ने जब से RN5 को इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च किया है तब से इस बाइक के अंदर काफी सारे अपग्रेड हो चुके हैं, और दोस्तों अभी आने वाले न्यू वेरिएंट वर्जन 4 के अंदर आपको न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स और न्यू कलर स्कीम तो बिल्कुल देखने को मिलेगी। और प्राइस के बारे में अगर बात करें तो यामाहा की RN5 V4 का प्राइस 1,60,000 से लेके 1,65,000 तक होगा। तो दोस्तों इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इस बाइक का प्राइस 10,000 to 15,000 बढ़ने वाला है। लेकिन दोस्तों इस बाइक के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला इस बाइक के अंदर चेंज होगा इलेक्ट्रिकल फीचर्स। दोस्तों यामाहा ने अभी रिसेंटली ही FGS V3 के अंदर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर अपग्रेड किया है, तो यामाहा की RN5 V4 के अंदर भी आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हमें काफी सारे अच्छे न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे और उसमें हम राइडिंग स्टेट्स भी देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर और भी काफी सारे फीचर्स को एडअप किया जाएगा। और दोस्तों सेकंड चेंज होगा इस बाइक के LED हेडलाइट का। RN5 V3 के अंदर ट्विन LED हेडलाइट है जिसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आपको नाइट विजन काफी अच्छा नहीं मिलता। दोस्तों RN5 V4 में आपको न्यूली डिजाइन LED हेडलाइट देखने को मिलेगी जिसका इल्यूमिनेशन पहले से बेटर होगा और इस बाइक का नाइट विजन भी पहले से अच्छा देखने को मिलेगा। तो RN5 V3 की LED हेडलाइट वाली प्रॉब्लम RN5 V4 में सोल्व हो जाएगी, क्योंकि ये इस बाइक की सबसे बड़ी कमी है। दोस्तों नेक्स्ट चेंज होगा इस बाइक की इंजन ट्यूनिंग में। हालांकि दोस्तों RN5 V4 में आपको वही सेम 155.1cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिलेगा, लेकिन इस बाइक की इंजन ट्यूनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। दोस्तों BS6 नॉर्म्स की वजह से इस बाइक की पावर और टॉर्क आउटपुट थोड़ी सी डिक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से RN5 V3 का BS6 वेरिएंट BS4 वेरिएंट से थोड़ा कम पावरफुल है, लेकिन RN5 V4 की इंजन ट्यूनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी जिसकी वजह से उस बाइक की पावर और टॉर्क आउटपुट में कुछ माइनर चेंज हो सकते हैं, और RN5 V4 में आपको पावर और टॉर्क आउटपुट भी थोड़ी सी बेटर देखने को मिल सकती है, और साथ ही दोस्तों इस बाइक में आपको रिफाइनमेंट भी थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि RN5 V4 के अंदर भी आपको काफी रिफाइंड, स्मूथ और रिलायबल इंजन देखने को मिलेगा। और दोस्तों फोर्थ चेंज होगा इस बाइक के राइडिंग कंफर्ट और सिटिंग कंफर्ट में। दोस्तों यामाहा की RN5 V3 एक ऐसी बाइक है जो सबके लिए कंफर्टेबल नहीं है, और इस बाइक की पिलियन सीट तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। RN5 V के अंदर काफी अग्रेसिव लीन राइडिंग पोस्चर है जिसकी वजह से काफी सारे राइडर्स के लिए ये बाइक थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन RN5 V4 के अंदर आप राइडिंग पोस्चर और सीटिंग कंफर्ट थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये भी इस बाइक की एक सबसे बड़ी कमी है। RN5 V3 एक ऐसी बाइक है जो सबको पसंद आती है, लेकिन इस बाइक के अग्रेसिव राइडिंग पोस्चर की वजह से काफी सारे लोग इस बाइक को परचेज नहीं करते और दूसरी बाइक्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यामाहा की RN5 V4 के अंदर आपको राइडिंग पोस्चर और पिलियन सीट थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी, और साथ ही कंपनी इस बाइक के एरोडायनेमिक्स का भी बिल्कुल ख्याल रखेगी, क्योंकि दोस्तों एरोडायनेमिक्स की वजह से ही इस बाइक की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। दोस्तों नेक्स्ट चेंज होगा इस बाइक के कलर्स और बॉडी ग्राफिक्स में। RN5 V4 में आपको न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स और न्यू कलर स्कीम देखने को मिलेगी, और साथ ही इस बाइक के अंदर आपको ड्यूअल टोन कलर कॉम्बिनेशन वाली स्कीम भी देखने को मिल सकती है, और V4 में आपको न्यू फ्रेश डिजाइन देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको BS6 वाले वही सेम ड्यूअल हॉर्न सिस्टम देखने को मिलेगा, रेडियल सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलेंगे, 6-स्पीड ट्रांसमिशन होगी, असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी देखने को मिलेगा, और साथ में स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS भी होगा, और वहीं सेम कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स होंगे, रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन होगा। दोस्तों इस बाइक की लॉन्च डेट के बारे में अगर बात करें तो यामाहा की RN5 V4 का एक्सपेक्टेड लॉन्च है मिड ऑफ 2021, और दोस्तों यामाहा इस बाइक को 2021 के एंड में भी लॉन्च कर सकती है, लेकिन अभी तक इस बाइक की लॉन्च के बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप 2020 में RN5 V3 का BS6 मॉडल परचेज करना चाहते हो तो आप बिल्कुल इस बाइक को परचेज कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों RN5 का न्यू वेरिएंट वर्जन 4 2020 में लॉन्च नहीं होगा, वर्जन 4 आपको 2021 में ही देखने को मिलेगा, तो आप 2020 में RN5 V3 को परचेज कर सकते हो। सो दोस्तों ये थी सारी अपडेट्स यामाहा RN5 V4 के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना,
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ।